क्राउड्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्राउड्स मेथड, तो इसके अंदर हमें एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं क्राउड्स एल्गोरिथम। इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने होंगे ताकि अपनी आसानी के लिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये स्टेप्स जो है एग्जांपल नंबर 11 से लिए गए हैं। आपको मैं एग्जांपल नंबर 11 दिखा भी देता हूँ जो हमने सॉल्व की थी, जिसको सॉल्व किया था मैं ट्राई डायग्रल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो वो एग्जांपल थी हमारे पास 11, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 थी जिसके अंदर हमने ये चार हमारे पास इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन जिनको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ क्राउड मेथड। अब इसी को बेस बना के हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं एक एल्गोरिथम की शक्ल में। इसमें हमने इसमें एंट्रीज जो हैं हमारे पास ये है A1, A2, A3, A4 डायगोनल एंट्रीज हैं, जबकि जो डायगोनल के ऊपर एंट्रीज हैं वो C1, C2, C3 है और नीचे B2, B3, B4 है। यानी कि यहाँ तो हमारे पास बिल्कुल स्मूथ आ रहा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 1, 2, 3, लेकिन यहाँ B जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 से हो रहा है, 2, 3, 4 है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें जनरलाइज हमने फॉर्मूले निकाले थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये थे स्टेप वन। इसमें स्टेप वन था L1 इज इक्वल टू A1 और U1 इज इक्वल टू C1 ओवर L1। ये I इज इक्वल टू 1 के लिए था, जबकि 2 से लेके N-1 तक L की वैल्यूज वो निकालते थे। उसमें क्या हमने फार्मूला लगाया था, Li इज इक्वल टू Ai-Bi-Ui-1 और U की वैल्यू फाइंड करने के लिए था Ui इज इक्वल टू Ci ओवर Li। ये स्टेप्स आपने याद रखने और इनकी एंट्रीज, क्योंकि विदाउट लर्निंग ये स्टेप्स जो हैं आप इसको क्राउड्स मेथड की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और स्टेप थ्री था जो कि एन, जब हमारे पास एन लास्ट वैल्यू आ जाती है, एन हमारे पास डायमेंशन है मैट्रिक्स की। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एन 4x4 है तो एन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो Ln इज इक्वल टू An-Bn-Un-1। इसमें हमने वैल्यूज जो है दूसरी जो U की वैल्यूज जब फाइंड कर ली थी तो हमने यहाँ पर पुट किया था। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, ये तीन स्टेप्स थे, उसके बाद Y की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास स्टेप थे, स्टेप 4 और 5 थे, जिसमें Y1 इज इक्वल टू D1 ओवर L1 और जबकि Y2 से लेके N तक जो थे Yi1 ओवर Li-Di-Bi-Yi-1, ये वैल्यूज जो फाइंड करने के लिए थे स्टेप 4 और 5 Y की वैल्यू के लिए। फिर हम नेक्स्ट X की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने किया था कि स्टेप 6 में आ जाता है कि X n इज इक्वल टू yn, यानी कि लास्ट वैल्यू जो थी हमारे पास n अगर 4 है कोई डायमेंशन किसी मैट्रिक्स की तो x4 इज इक्वल टू y4 आ जाएगा। इसमें जो ये वैल्यूज फाइंड की थी x की जो 1 से लेके n-1 थी, इसमें आप इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन चूंकि इसमें इस्तेमाल होती है, इसमें आप आई को n-1 पहले लिख लें और फिर अप टू 1 कर दें। इसमें ये वाली वैल्यूज इसमें यहाँ पुट कर देंगी, पुट करती थी क्योंकि ये यू आई की जो वैल्यूज थी वो हमारे पास ये थी, तो ये यहाँ पर पुट करती। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं इसको, इन जनरल एक्स आई इज इक्वल टू Ci, पहले yi, इसको हम रिमूव कर देते हैं, yi- ये है हमारे पास Ci ओवर Li, तो Ci ओवर Li और xi+1।
ये मैंने क्या किया, यहाँ पर यू की वैल्यू लगा दी है, ये यहाँ पर ठीक है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए था। तो ये स्टेप्स है, कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको जब आप सॉल्व करेंगे। तो हम दोबारा क्राउड्स एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इसमें ये स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये आपने याद करने हैं। स्टेप वन, ये वही वन मैंने एग्जाम्पल नंबर वन से लिया है, ये स्टेप वन है, ये आई इज इक्वल टू वन के लिए था और बाकी के स्टेप जो है टू से एन तक है। इसी तरह से स्टेप टू है, इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाले में हमने एल की वैल्यूज निकाली हैं जबकि सेकंड वाले के अंदर हमने वाई की वैल्यू निकाली है। इसमें ये केस आई इज इक्वल टू वन से वन है पहला, और जबकि नेक्स्ट जो है नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो टू से लेके एन तक है। और स्टेप थ्री के अंदर क्या करना है, हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है। तो एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर ये आई जो वेरिएशन है एन माइनस वन से लेके वन तक आ जाएगी। तो ये तीन स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 हम सॉल्व करने लगे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ क्राउड्स मेथड, जिसके अंदर हम क्राउड्स एल्गोरिथम, ये वाला जो है एल्गोरिथम लगाएंगे। सॉल्व दी फाइंड दी न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ दिस हीट इक्वेशन, ये हमारे पास वेल नोन हीट इक्वेशन है और ये वन डायमेंशनल है और ये हीट इक्वेशन है ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जो टाइम जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इस पे हमने बैकवर्ड डिफरेंस लगा देना है, और एम की वैल्यू 25 है और एन की वैल्यू 5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास जब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड लगाते हैं या इम्प्लिसिट स्कीम लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राई डायगनल मैट्रिक्स बनती है। ट्राई डायगनल मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्राउट्स मेथड इस्तेमाल होता है। तो इस क्राउट मेथड के जरिए हमने इस पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। और इसके अलावा हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है और इनिशियल कंडीशन होती है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई है, इसमें ये ए 0 है और बी 1 है, a0 b1, ये आ गई, यूटिलाइज होगी हमारे पास वैल्यूज। और दूसरी हमारे पास है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास टाइम हमेशा 0 होता है, तो ये t इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन है हमारे पास एक x का इनिशियल कंडीशन का, यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और इस पे हम लगाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस लगाते हैं टाइम डेरिवेटिव के ऊपर, और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इन बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा तो सिस्टम ऑफ ट्राई डायगनल मैट्रिक्स बनेगा, और उसको हम विद द हेल्प ऑफ क्राउड मेथड या क्राउड्स एल्गोरिथम लगाते हैं इसके ऊपर। एन सिंस हमारे पास क्या है, 5 है, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वो बी माइनस ए ओवर एन होता है। तो हमारे पास ये वैल्यूज बी 1 है और ए 0 है, तो ये 5 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0.5 आ जाएगी, एच की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास स्पेस स्टेप जो होगा वो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। जबकि m की वैल्यू जो है ये हमारे पास टाइम से रिलेटेड होती है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास k इज इक्वल टू t कैपिटल t माइनस t नॉट ओवर m होता है। और ये t जो है हमारे पास ये फाइनल टाइम है, और जबकि t नॉट इनिशियल टाइम है, ये है फाइनल टाइम, लिख भी देता हूँ यहाँ, और t नॉट है इनिशियल टाइम। और m हमारे पास ये वैल्यू है 25, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 0.04 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास n जो है वो 5 है, तो इसकी मतलब है वैल्यूज जो है i की जो वैल्यू जाएगी वो n माइनस 1 होता है, तो 1 से लेके 4 तक जाएगी। और m 25 है, ये भी एक m-1 होता है, तो इसमें से भी 1 से लेकर 24 तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास m-1 तक जाता है।
हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे के लिए हम 0.04 पे, और फिर बाद में हम इसको, चूंकि हमारे पास ये टाइम लेवल जो है वो 24 तक जा रहा है, ये बहुत लेंथी हो जाता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे जे इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए, यानी कि 2 टाइम लेवल इस्तेमाल करेंगे। जब फर्स्ट टाइम लेवल हमारे पास, हमें पता ही है ये जो के की वैल्यू निकाली है वो 0.04 है, और जबकि इससे नेक्स्ट ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 1 के लिए। जब जे इज इक्वल टू 2 यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के, इसी में 0.04 को इसी में ऐड कर देंगे तो ये 0.08 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम J1 और J2 तक इसको कैलकुलेट करेंगे और 24 तक नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन थी। इनिशियल कंडीशन को जब हम इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा लिखेंगे तो डिस्क्राइब जब प्रॉब्लम को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा आई 0 इज इक्वल टू साइन एक्स आई, यानी कि आई एक्स के अलोंग हम इसमें वेरिएशन कर देंगे, और आई कहाँ से था, 1 से लेकर 4 तक था। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू जो, यानी कि इनिशियल वैल्यू 0 0, और लास्ट पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 5 0, वो भी 0 आ जाएगी लास्ट पॉइंट पे, दोनों पे 0 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर I 1 2 3 4 इक्वेशन 1 में, ये फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए हमने पहले I 1 रखा, तो इसमें 1 I की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर X 1 आ जाएगा, यानी कि X 1 क्या चीज है, ये हमारे पास H 2 के था हमारे पास 0.2, यानी कि स्पेस स्टेप साइज 0.2 है, तो 0.0 से स्टार्ट किया, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1। इसका मतलब ये X0 है, ये X1 है, X2 है, X3, X4 और ये X5, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको ओमेगा के। और हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज को 1 2 3 4, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना, 2 पे करना, 3 पे और 4 पे। तो ये हमारे पास X1 आ गया, X1 क्या है, हमारे पास 0.2 है, तो 0.2 को आप यहाँ पर पुट करते हैं और इसको रेडियन में कैलकुलेट करें तो आपके पास ओमेगा 1 0 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब आई आप पुट करते हैं 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी X2 आ जाएगा, X2 क्या है, हमारे पास 0.4 है, X2 0.4 है, और हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 0 की। ओमेगा 3 इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा 3 को करेंगे तो X3 आ जाएगा, X3 हमारे पास क्या पॉइंट है, 0.6 है, तो 0.6 यहाँ पर पुट कर दें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और लास्ट में जब I 4 पुट करेंगे तो ओमेगा 4 0 आ जाएगा और X 4 आ जाएगा, X 4 0.8 है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम आ रही है, जबकि हमारे पास 2 और 3 वाली जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये हमारे पास टाइम लेवल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि 0 पे हमने कैलकुलेट किया टाइम लेवल को, जबकि आई की वैल्यू डिफरेंट है 1 2 3 4। अब हम दोबारा अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं, हीट इक्वेशन की तरफ। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा स्केयर, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर के। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम बैकवर्ड डिफरेंस लगा देंगे टाइम डेरिवेटिव के ऊपर, और सेंट्रल डिफरेंस हम लगा देंगे स्पेस डेरिवेटिव के ऊपर, तो देख क्या इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने लगा दिया बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये ओमेगा I माइनस ओमेगा I J-1 ओवर K, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है तो K आ जाएगा, और ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस लगाएंगे तो I ओमेगा I-1 J
माइनस टू ओमेगा आई जे प्लस ओमेगा आई प्लस वन जे, यानी कि ये सेंट्रल वैल्यू है और इसके लेफ्ट और राइट पे ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, और ये एच स्केयर हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये अल्फा स्केयर है एज इट इज। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली चीज हमारे पास लैम्डा है। जब लैम्डा आएगा तो इसको हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कर लेते हैं, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आई जे की, और ये दूसरी, और ये लैम्डा आ जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको हमने वैल्यू हम इसकी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से आई ओमेगा आई जे माइनस वन को, और सेंट्रल वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली सेंट्रल वैल्यूज को, तो ये हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाएगी सेंट्रल वैल्यू ओमेगा आई जे की वन प्लस टू लैम्डा, और जबकि लेफ्ट और राइट पे जो होगा उसके साथ कोफिशेंट बन जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको हमने सॉल्व करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे j इज इक्वल टू वन को, जबकि i की वेरिएशन देंगे वन से लेके फोर तक। जब i इज इक्वल टू वन पुट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन एक बन जाएगी, और जब टू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसी तरह से थ्री और फोर पुट करेंगे तो हमारे पास ये चार जो है सेट ऑफ इक्वेशन बन जाएंगे। इसमें आप देखें राइट हैंड साइड पे टाइम लेवल हमारे पास जीरो है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें टाइम लेवल वन है, ये सब में वन है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ ओमेगा की जिस पे टाइम लेवल वन हो। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्लीसिट हमने स्कीम लगाई थी। इम्प्लीसिट स्कीम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करते हैं, तो हमारे पास टाइट डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा। ये हमारे पास ट्राई डायगनल आ गई है, जिसमें डायगनल एंट्रीज आ जाएंगी और ये इसके ऊपर वाली एंट्रीज आ जाएगी माइनस लैम्डा, और ये नीचे वाली आ जाएगी, और किस पे आएगी, टाइम लेवल वन पे आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम लेवल लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट ऑफ इक्वेशन दिखाया था वो हमारे पास टाइम लेवल वन था, जबकि राइट हैंड साइड पे टाइम लेवल जीरो था। इसकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विद दी हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन के। अब चूंकि हमारे पास h की वैल्यू 0.2 है और k जो है टाइम पे हम 0.04 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं अल्फा जो है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू लैम्डा की कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू 1 आती है। अब 1 जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस टाइप का आ रहा है कि a, ये W और ये B इस टाइप का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं। अब ये J हमारा 1 चल रहा है, इसका मतलब है ये टाइम लेवल हमारे पास जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं 0.04 है। इसमें जब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी है तो ये हमारे पास आ जाएगी डायगोनल एंट्रीज 3-3 आ जाएगी, और जबकि अपर डायगोनल एंट्रीज -1 और जबकि लोअर जो है वो भी -1। और हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ओमेगा की लेवल वन पर, और जीरो की हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास उस टाइप का बन गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू बी टाइप का। इसको आप क्राउट्स मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। देर आर सो मेनी डिफरेंट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, बट वी विल यूज हेयर बाय द क्राउट्स एल्गोरिथम बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि क्राउट्स मेथड में जो जो स्टेप पड़े थे वो एल इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये 3 आ जाएगा, यानी कि ए वन था, तो ए वन हमारे पास ये है। अब ये एक्चुअली आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है और ये ए फोर है, और जबकि हमारे पास सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, और ये हमारे पास बी वन है, सॉरी ये बी टू है, क्योंकि बी से स्टार्ट टू से स्टार्ट होता है, और बी थ्री और ये बी फोर है।
नेक्स्ट हम ये आई इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया, और जबकि 3, 2, 3, 4 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फार्मूला, ये हमने मैंने आपको बताया था इसका स्टेप 1 के अंदर। तो इसके अंदर जब आई 2 पुट करेंगे तो हमारे पास C1 क्या है -1 है, और B2 क्या है B2 भी -1 है, और L1 क्या है L1 हमने कैलकुलेट किया है 3 है। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L2 की। इसी तरह से इसमें i की वैल्यू 3 और i इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास A3 की वैल्यू हम मैट्रिक्स से अपने देख लेंगे, A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू 3 है, और C2 की हमारे पास -1 है, B3 की -1 है, और L2 की जो अभी निकाली है हमने L2 की 8/3 ये है। जब ये वैल्यूज लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू L3 की आ जाएगी। इसी तरह से पुट करते हैं i इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज, और ये हमारे पास a1 a2 a3 ये हमारे पास 3 ही हैं मैट्रिक्स में अगर देखें तो, इधर ये वाली मैट्रिक्स में a1 2 3 4 ये तमाम 3 है, जबकि c1 c2 c3 और b2 b3 b4 ये भी 1 है -1 है। तो इनकी फिर -1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे L3 पे। L3 क्या है 21/8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास L1 L2 L3 L4 की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा स्टेप क्या था, हम वैल्यू y की निकालेंगे। y के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे D1/L1। तो D1 हमारे पास क्या है, D1 ये वाली एंट्रीज है, ये हमारे पास है D1, ये D2, D3 और D4। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और L1 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर Y1 का आ जाएगा, जबकि बाकी के लिए हमारे पास i की वैल्यू 2, 3 और 4 के लिए जो था हमारे पास वो था ये फॉर्मूला। इसके अंदर जब i इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं, L2 की भी वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर ली है, और D2 भी है और B2 भी है, ये मैट्रिक्स से हमें मिल जाएगा, और Y1 अभी कैलकुलेट किया ये यहाँ से Y1 की भी, तमाम की वैल्यूज पुट करेंगे और Y2 आ जाएगा। इसी तरह से Y3 के लिए इसमें i इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे और तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे हम इसकी Y3 की, क्योंकि हमारे पास L3 भी है कैलकुलेट किया हुआ है, और D3 भी है, B3 भी है, और Y2 की अभी हमने लास्ट स्टेप में निकाली है, तो इसकी वैल्यू। इसी तरह से I4 पुट करेंगे तो Y4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये Y1, Y2, Y3 और Y4 की वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी Y4 की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। एक्स के मतलब हम उसकी जो हमारे पास थी टाइम लेवल 1 पे वैल्यूज निकालेंगे। अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ये जैसे हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन था, अब हम एक्स हमारे पास क्या चीज है, ये एक्चुअली ओमेगा है, ओमेगा को हमने फिक्स कर दिया, इसके साथ 1 टाइम लेवल पे निकाल रहे हैं तो हमने 1 1 लगा दिया, और जबकि आई हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले 3 लगेगा, फिर 2 लगेगा, फिर 1 लगेगा, तो हमने सबसे लास्ट वाला लगाया y, n इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वल है इसके y4 के, ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर इसके अंदर पहले 3 पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए था जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं, तो i3 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी है ऊपर निकाली हुई है, जबकि c3 की भी वैल्यू है, l3 की भी वैल्यू है, और ओमेगा 4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे ओमेगा 3/1। इसी तरह से जब पुट कर देंगे i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसके अंदर तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी और ओमेगा 3 की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, तो इसमें पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से जब i इज इक्वल टू लास्ट में 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी।
यानी कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले 3 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है और फिर 1 पुट करना है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ये अब तक हमने जो सॉल्व किया था वो टाइम लेवल 1 पे था, और नेक्स्ट के लिए हम j इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और टाइम लेवल हमारे पास नेक्स्ट टाइम लेवल आ जाएगा 0.088 पे। जो मैट्रिक्स थी हमारे पास वो वही है जो मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं। इसमें a की एंट्रीज है और c की और b की है, और अब हमने टाइम लेवल 2 पे कैलकुलेट करना है। पहले 1 पे किया था, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास। और जबकि राइट हैंड साइड पे टाइम लेवल 1 की जो वैल्यूज जो हमने निकाली है वो यूटिलाइज करेंगे। ये टाइम लेवल 1 की है जो अभी कैलकुलेट की है हमने लास्ट लास्ट स्लाइड में, ये वाली वैल्यूज। तो इसमें अब ये वाला हमारे पास D1 बन जाएगा, ये D2 बन जाएगा और ये D3 और D4 बन जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे पहले इसमें स्टेप 1 वैसे ही स्किप हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिकम्पोज कर चुके हैं LU की फॉर्म के अंदर। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A थी जिसे हम कह रहे थे, इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो इसे अब दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यूज यूज होंगी। तो स्टेप 2 की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। इसमें y की वैल्यूज निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। d1 अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा, और l1 वही है हमारे पास। और y2 जो है वो आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। l2 की भी हमारे पास वैल्यू है, d2 भी है हमारे पास और b2 भी है, और y1 यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब है y2 की भी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से y3 की वैल्यू निकाल लेंगे और 4 की निकाल लेंगे। ये हमारे पास y3 और 4 भी आ गए, तो तमाम वैल्यूज हमारे पास y की आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा जिस पे हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से था x4 इज इक्वल टू y4, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा टाइम लेवल 2 के अंदर 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें i इज इक्वल टू हम पहले पुट करेंगे 3, फिर 2 और फिर 1। x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी या y4 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली थी। y4 की वैल्यू हमें पता है, तो इसका मतलब है ये x4 की वैल्यू है। ये x4, x4 क्या है हमारे पास, ये एक्चुअली हम इसको x4 का नाम दे रहे हैं। ये i4 और जो टाइम लेवल है वो हमारे पास 2। 2 को हम फिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर लिया क्योंकि हम पहले हमने टाइम लेवल 1 पे निकाली थी वैल्यूज, अब टाइम लेवल 2 पे निकाल रहे हैं। और इसमें हम फिक्स कर देंगे i इज इक्वल टू पहले 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, और इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज हैं। वाई थ्री की भी वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा 4 की भी वैल्यू है और C3 की भी वैल्यू है और L3 की भी है। तो इसका मतलब है ये 2 2 3 2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से 2 2 जब i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, और हमारे पास वैल्यू 2 2 पे भी वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसी तरह i इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमने अब इस पे कैलकुलेट कर ली है तमाम वैल्यूज नेक्स्ट टाइम लेवल के ऊपर। तो ये मेथड है जिसके अंदर क्राउड्स मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ क्राउड्स एल्गोरिथम।